हार्दिक पांड्या को अगर मैं राय देना चाहता हूँ, बोल के दीजिए, हाँ, कि चौड़े कम हो। जो बंदा फिट नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो 10 ओवर डालेगा। अभी आयरलैंड में वो रेस्ट कर रहा है बंदा, कितनी क्रिकेट खेल ली उन्होंने साल में, क्यों रेस्ट कर रहे हैं वो? भाई अगर एंड में आके कुछ कर सकते हो आप अच्छा टीम के लिए, अगर मार सकते हो रन बना सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो चुप जरूर रहो। लप्पू सा मैस्कॉट है उस पर दो लफ्ज हो जाए। पहली बात तो ये है कि बहुत आदि पुरुष ब्रह्मास्त्र टाइप फीलिंग आ रही है, सबको आ रही है, जो भी है ना, वो हम कहें ना कहें। और अगर जो लोग अच्छे से क्रिकेट फॉलो करते हैं, 20 25 30 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो 2011 में रिवाइंड करें, जब उस टाइम में हम होस्ट थे, हमारा मैस्कॉट था स्टम्पी विच वॉज एन एलिफेंट, और उसके पीछे एक बैक स्टोरी थी जो होती है। और उस इवेंट में उस टाइम पे सचिन, धोनी, संगकारा काफ़ी बड़े लेवल पे अनवील हुआ था और वो सारी चीज़ें हुई थी, तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत ही डर लगा। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैस्कॉट से हार जीत और ये सब चीज़ें नहीं है, अगर हम जीत गए तो सब अच्छा हो जाएगा, और तो बस यही है। बट बहुत वैसा जीतेंगे कैसे। अब आप ही बता रहे थे कि केएल राहुल अनफिट हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं है केएल राहुल का अनफिट होना? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप ट्राई कर सकते हो। तिलक, मैं उनमें से नहीं हूँ जो चार दिन में इसको खिला दो, चार दिन में बहुत ओल्ड स्कूल, मतलब आई हैव बीन फॉलोइंग क्रिकेट फॉर 20-30 इयर्स, तो मैं तिलक विलक ये ठीक है, अच्छा है, सब कुछ है, बट चार चार दिन में नहीं, प्लीज़। कभी एक फिर अनफेयर हो जाएगा अगर हम ऐसे करते रहेंगे, तो फिर कभी नहीं वो कुछ करते। सिलेक्शन गाइडलाइंस तो यही है ना कि हम हर चार दिन पे नया प्लेयर ला रहे हैं, नया कैप्टन ला रहे हैं। वो नहीं, अगर नहीं है हमारे पास केएल राहुल, और तो हमारे पास ईशान ही है विकेट कीपिंग ऑप्शन, लेकिन ईशान को सुना है कि नीचे नहीं खेल सकते, उनको खुद ओपन खेलना है, तो ये सब कुछ। दादा ने भी आज बोला है, सौरव गांगुली ने आज हमसे ही बोला इंडिया टुडे से ही, कि ईशान किशन हिज चॉइस फॉर द वर्ल्ड कप विकेट कीपिंग स्लॉट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप सेट कहाँ करोगे ईशान किशन बैटिंग में? नहीं, ये तो टीम की रिक्वायरमेंट है, सेट क्या करना, स्लॉट ही नीचे बन रहा है तो नीचे ही खेलना पड़ेगा, या तो अगर हम रोहित को नीचे कर दें विराट, तो सब बिगड़ जाएगा, मतलब कहीं भी हम सेटल नहीं हो पाएंगे। चार पे विराट कैसे रहेंगे? कपिल देव ने शायद अभी कहा था ऐसे, तो कोई किसी को भी कहीं खिला दो, बट हमारे चांसेस तो ख़राब हो जाएंगे ना। मतलब द पॉइंट इज़ कि कोई भी बड़ी टीम इस तरह से नहीं करती कि अपना जो सबसे बेस्ट बैट है, जो एंड में हम कितना भी कुछ बोल लें वो कर लें, जब टीवी ऑन होगा, मैच स्टार्ट होगा, हमें पता है कि विराट रन बना दे, रोहित रन बना दे, वही सिचुएशन आनी है, तो उसमें वही ट्रम कार्ड है, तो वो नहीं, बाकियों को मजबूरी में हमें फिट करना पड़ेगा, और फिर ईशान को ही नीचे खेलना पड़ेगा अगर केएल राहुल नहीं है तो। और अगर केएल राहुल है तो आप कह रहे थे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो पास्ट फॉर्म ठीक है, यही है हमारे पास फिर टैलेंट हमारा। राहुल अगर आते हैं तो मुझे लगता है राहुल 5 पे ज़्यादा सफल रहे ODIs में। राहुल 5 ठीक है, हाँ, उसे का तो 4 फिर भी, 4 फस चार फस रहे हैं, बहुत जोर से फस रहे हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्या, जो भी है पता नहीं, हार्दिक पांड्या हार्ड लेंथ नहीं खेल पा रहे। हार्दिक पांड्या को अगर मैं राय देना चाहता हूँ, खुल के दीजिए, हाँ, कि चौड़े कम हो, है ना, हम्बल बने, हम्बल रहें, हम्बल तो वो बनते हैं लेकिन वो हम्बल रहते नहीं, थोड़ा एरोगेंस कम करें, है ना, बिल्कुल कम करें, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है अननेसेसरी की चीज़ों में, हम 3 टीम बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो पुरानी बात होगी, कब तक उसको लेके हम खींचते रहे। ही हैज़ नो राइट, और ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए कि ही इज़ लीडिंग अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ में, हमें हार्दिक पांड्या ही मिला ले देके जिससे हम कप्तानी करवा रहे हैं। जो बंदा फिट नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो 10 ओवर डालेगा। अभी आयरलैंड में वो रेस्ट कर रहा है बंदा, कितनी क्रिकेट खेल ली उन्होंने साल में कि वो रेस्ट कर रहे हैं, या ये वो है कि मैं कल आऊँगा, अच्छा मैं परसों रेस्ट करूँगा, मैं उसके अगले दिन आऊँगा, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करता है और उसको मर्ज़ी से चीज़ें करनी दी जाती है। तो वो हार्दिक पांड्या से तो वो भाई अगर एंड में आके कुछ कर सकते हो आप अच्छा टीम के लिए, अगर मार सकते हो रन बना सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो चुप ज़रूर रहो। अपने मन की तो बेन स्टोक्स भी कर ही रहे हैं, जब मन करता रिटायर हो जाते हैं खेलने आ जाते हैं। बेन स्टोक्स बहुत बड़ी चीज़ है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बेन स्टोक्स इस सेंचुरी का 2010 से 2000 अभी तक का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, और करने वाला क्रिकेटर है, कागज़ वाला नहीं है ना, जिसने अचीव करके दिया। हैरी ब्रुक ने भी कमेंट किया उस पर कि व्हाट कैन आई से, इफ गाइस समबडी इज हु इज मोर देन द गेम,
चलता है ठीक है, इतना तो चलता है, मतलब हम तो देखना चाहते हैं ना, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है यार, बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा है ना, तो खेल रहा है तो हम तो देखना चाहते हैं।